जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कल्याणी ग्रुप को इन आर्मी से ATAGS के बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद। नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर भारत की मिलिट्री एक्टिविटीज की इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले सोल्जर के खिलाफ होगा कोर्ट मार्शल। अंडरवाटर वेसल्स को अटैक करने के लिए इंडियन नेवी इंडक्ट कर रही है ब्लू ग्रीन लेजर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कहा दिवालिया नेशन। और चाइना के स्पाई बलून के मलबे की रिकवरी हो चुकी है पूरी। एरो इंडिया के साइडलाइंस भारत फोर्ज के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अमित कल्याणी ने द प्रिंट के साथ एक खास बातचीत के दौरान इस बारे में जानकारी दी है कि कल्याणी ग्रुप के पास करीब 2000 करोड़ रुपीस तक के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, जिनमें स्पेयर्स, कंज्यूमेबल्स और ऐसी बाकी चीजें इंक्लूड हैं, और ये सब 6 से 8 महीनों में हुआ है और उनको पूरा विश्वास है कि ये जो आंकड़ा है ये और बढ़ेगा। साथ में उनका ये भी कहना था कि हम मुख्य रूप से 3 एरियाज पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें से एक एरिया है आर्टिलरी गन्स और आर्टिलरी सिस्टम, दूसरा है प्रोटेक्टेड एंड स्पेशलिटी व्हीकल्स, और तीसरा एरिया है कंपोनेंट, सबसिस्टम्स, स्पेयर्स, कंज्यूमेबल्स, ये सारी चीजें। और जबकि अभी हाल ही में कल्याणी को आर्मेनिया से 155 mm और 39 कैलिबर की माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम को सप्लाई करने का ऑर्डर भी मिला था। और जबकि कल्याणी ग्रुप के पास 6 अलग अलग तरह के आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से आर्टिलरी का कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। तो इस पर ऑफिशियल का ये कहना है कि हमें ग्लोबल कंपनी है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि पहला ऑर्डर भारत से आएगा, पर खैर ये भी ठीक है कि हमें कहीं और से ऑर्डर मिला है। बाकी जो इंडियन ऑर्डर्स होंगे तो उनको भी फॉलो किया जाएगा। और उनको ये भी कहना था कि भारत की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने सारी चीजें करी हैं, फिर चाहे परफॉर्मेंस हो, क्वालिटी हो, प्रोडक्शन रेट हो, और जिस रेट के साथ हम प्रोडक्शन करते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता है। और बाकी फिलहाल अभी कल्याणी ग्रुप को ATAGS के एक बड़े ऑर्डर की उम्मीद है। और द प्रिंट के साथ बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि अभी हाल ही में जो आर्मी ने RFI जारी करी थी, जिसके तहत इंडियन आर्मी एक ऐसे 155 mm और 52 कैलिबर की टोट गन चाहती है जिसका वजन 15 टन से कम हो, और चूंकि ATAGS का वजन लगभग 19 टन के आसपास है, तो ऐसे में कल्याणी ग्रुप इसमें कैसे कॉम्पीट करेगी। तो इस पर ऑफिशियल का यही कहना है कि हमारे पास 60 टन, 10 टन, 11 टन, 14 टन, तो इस तरह के अलग अलग रेंज में प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं। और ATAGS के अलावा हमारे पास 5 और प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि इंडियन आर्मी के इस लेटेस्ट RFI में कॉम्पीट करने के लिए हमें कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। और मिस्टर कल्याणी का ये भी कहना है भारत एक बिग एक्सपोर्टर बन सकता है, और मैं केवल प्लेन्स या हेलीकॉप्टर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ आर्टिलरी गन्स, व्हीकल्स, एम्यूनिशन, स्पेयर्स और ऐसी कई सारी चीज़ों की। और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे अवसर हैं, और जैसे जैसे लोगों का एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ अच्छा होता जाएगा, तो निश्चित रूप से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देगा। और उनका ये भी मानना है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान है, इसलिए भारत डिफेंस के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, और जो कुछ भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो भारत आपके लिए ऑफर कर सकता है। ANI की तरफ से जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी अपने एक सोल्जर के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को शुरू करने जा रही है, और इस पर आरोप यह है कि इसने नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ भारत के मिलिट्री एक्टिविटीज की कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी में एक ISI एजेंट को लीक करी थी। और इस इन्फॉर्मेशन को लीक करने के बदले में पाकिस्तानी एम्बेसी के ऑफिशियल द्वारा उस सोल्जर को 15,000 रुपए दिए गए हैं। बाकी ANI की रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेज के हवाले से यह कहा गया कि ये सोल्जर, जिसका नाम है अलीम खान, कि ये फील्ड एरिया में चीन के साथ लगने वाली सीमा के पास फॉर्मेशन में पोस्टेड था, और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसे पाकिस्तानी स्पाई आबिद हुसैन को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हुए पकड़ा था। और ये आबिद हुसैन राजधानी में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के हाई कमीशन में काम करता है। और ANI की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया है कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ आर्मी पर्सनल की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक ऐसे टाइम पर लीक करने की कोशिश की गई थी जब LAC पर चीन ऑलरेडी काफ़ी एग्रेसिव होने के प्रयास कर रहा था। तो ऐसे में इंडियन मिलिट्री एक्टिविटीज़ की थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन हमारे एडवर्सरीज के लिए मददगार साबित हो सकती थी। लेकिन इसी रिपोर्ट में आर्मी सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया कि जिस सोल्जर पर आरोप लगे उसके पास केवल थोड़ी सी ही जानकारी की पहुंच थी, लेकिन इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं उनको आर्मी द्वारा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता है, और इसके लिए दोषी पाए जाने वाले को जरूरी पनिशमेंट दी जाती है। अगर रिपोर्ट बताया गया कि सोल्जर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन लीक की गई है तो उसमें फॉर्मेशन की गार्ड ड्यूटी लिस्ट भी शामिल है, बाकी इसके अलावा फॉर्मेशन के व्हीकल्स की इन्फॉर्मेशन, उनके मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन, तो ये सब चीज़ें भी लीक करने की कोशिश की गई थी। और इसने उन सैटेलाइट्स के लोकेशंस का एक्सेस लेने का भी प्रयास किया था जिन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल भारत चीन के साथ लगी सीमा पर मॉनिटरिंग करने के लिए करता है, लेकिन अच्छी बात यह कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। और इतना ही नहीं बल्कि इस मीडिया रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि इस सोल्जर ने चीन के साथ लगने वाले सीमा पर तैनात भारत के सर्विलियंस रेडार्स और ऐसी बाकी के इक्विपमेंट की लोकेशंस को एक्सेस करने का भी प्रयास किया था। और बाकी अगर आप ऐसे किसी को ये जानना है कि कोर्ट मार्शल होता क्या है, इसमें किस तरह की कार्यवाही होती है, या फिर जो सोल्जर्स दुश्मन देश के लिए जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर भारत की मिलिट्री किस किस तरह के एक्शंस लेती है, तो इन टॉपिक्स पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमने पहले बनाई है, उसके माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी कि MRSAMs। तो इन सिस्टम्स के लिए लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए BEL और इजरायली फर्म IEI ने अपने एक जॉइंट वेंचर की अनाउंसमेंट करी है,
और ये जो ज्वाइंट वेंचर है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज को एक्सटेंड करने के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के जो MRSAM जैसे मिसाइल सिस्टम्स हैं तो इनकी जो सपोर्ट सर्विसेज हैं वो सारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसके अलावा कानपुर बेस्ड MQ लिमिटेड और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के बीच भी एक MOU साइन हुआ है और जिसके तहत दोनों कंपनीज मिलकर डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई और एक्सप्लोर करेंगी और न केवल भारत के लिए बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी। इसी तरह से भारत की एक प्राइवेट एरोस्पेस फर्म जिसका नाम है गोपालन एरोस्पेस, तो इन्होंने स्लोवाकिया के MTC स्लोवाकिया SRO और डेफसिस टेक SRO के साथ टाई अप किया है और जिसके तहत वे संयुक्त रूप से मिलकर भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए प्रिसिशन ड्रोन्स को विकसित करेंगे और इसी ज्वाइंट वेंचर के तहत जो AX2 प्रेडेटर UAV है इसे मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत भारत में बनाया जाएगा। बाकी ये जो AX2 प्रेडेटर है ये असल में ये एक UAV प्लेटफॉर्म पर आधारित अटैक सिस्टम है और आप इसे एक तरह का लॉयटरिंग म्यूनिशन भी कह सकते हैं जिसका मेन पर्पस है हाई वैल्यू टारगेट्स को सर्च करना, आइडेंटिफाई करना और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना। इसकी जो ऑपरेशन रेंज है वो है 5 से 80 किलोमीटर। इसका एंड्योरेंस टाइम है करीब 12 मिनट और ये 2 से 3 मिनट में कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाता है और ऑपरेट करने के लिए 2 ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एक फ्यूचर नाम की इनिशिएटिव पर काम कर रही है। इस फ्यूचर की फुल फॉर्म है फ्यूज्ड टीमिंग विद अनक्रूड रैपिड इफेक्ट्स और इस पर BAE सिस्टम के कोलैबोरेशन के साथ काम किया जा रहा है। बाकी एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी देखने को मिला है जिसमें ANI के साथ बात करते हुए इंडियन नेवी के वाइस चीफ की तरफ से बताया गया है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत स्वदेशी तौर पर बनाए गए फायर फाइटिंग बॉट्स जल्द ही इंडियन नेवी के दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य इन दोनों पर डिप्लॉय किए जाएंगे। और इसके अलावा इंडियन नेवी ब्लू ग्रीन लेजर जैसी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज को इंडक्ट करने पर भी काम कर रही है जो कि नेवी को अंडरवाटर वेसल्स और ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में मदद करेगी। और साथ में उनका यह भी कहना था कि स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए जो भारत सरकार का IDEX प्रोग्राम है तो वो इंडियन नेवी के लिए एक बड़ी सफलता रहा है। और उनका यह भी कहना है कि इंडियन नेवी अब मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजीज को हासिल करने पर ही फोकस कर रही है जो कि हमें गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज के साथ एक कॉम्बैट रेडी नेवी के गोल को अचीव करने में मदद करेगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि जनवरी 2023 की फ्रंटलाइन e-मैगजीन भी लॉन्च हो चुकी है और आप में से जो भी फर्स्ट 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये e-मैगजीन मिलेगी मात्र 11 रुपए में। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में e-मैगजीन का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसे मात्र 11 रुपए में हासिल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे ये ऑफर केवल फर्स्ट 1000 बायर्स तक ही लिमिटेड है। आज शनिवार को BSF ने पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पाकिस्तानी स्मगलर्स के साथ हुई गनफाइट के बाद 20 पैकेट हेरोइन और कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को रिकवर किया है। और ये घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है जब पेट्रोलिंग के दौरान BSF कांस्टेबल हेमराम ने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट को नोटिस किया था और BSF ट्रूप्स द्वारा चैलेंज किए जाने के बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से स्मगलर्स ने ओपन फायर किया और फिर जवाबी कार्रवाई में BSF ट्रूप की तरफ से भी 25 राउंड्स फायर किए गए थे और ये गन फाइट काफी लंबे समय तक चली और फिर बाद में एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें हेरोइन के 20 पैकेट और 2 पिस्टल्स, 6 मैगजीन और 242 लाइव राउंड्स रिकवर किए गए और जो 2 पिस्टल्स रिकवर की गई उनमें से एक चाइनीज मेड है और एक टर्की मेड। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये है कि कल पाकिस्तान में कराची पुलिस हेडक्वार्टर्स पर TTP द्वारा एक बहुत बड़ा हमला किया गया। इस हमले के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और TTP के बीच करीब 4 घंटे तक गनफाइट चली है। इस दौरान 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और जबकि पाकिस्तान के 3 पुलिस पर्सनल और 1 सिविलियन की जान जाने की भी रिपोर्ट है और लगभग 18 के आसपास लोग घायल भी हुए हैं। और TTP की तरफ से पाकिस्तान को वार्न किया गया है कि वे पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के खिलाफ इस तरह के और भी हमले जारी रखेंगे और इसलिए TTP ने पाकिस्तान के पुलिसमैन को पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ चल रहे उनके वॉर से दूर रहने के लिए कहा है। और शायद ये बात आप जानते होंगे कि TTP को पाकिस्तान ने ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया था पर अब इसका उल्टा हो रहा है। और जैसे कि US की फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन का एक कोट है कि अगर आप अपने घर में एक सांप पालते हो और ये सोचते हो कि वो सांप केवल आपके पड़ोसी को ही काटेगा आपको नहीं, तो ऐसा नहीं है बल्कि वो सांप एक दिन वापस से आपको ही काटेगा। और अब पाकिस्तान में जिस तरह के हमले हुए हैं तो एक समय ऐसा था जब 90 के दशक में पाकिस्तान इसी तरह के हमले कश्मीर में करवाता था, तो वहाँ कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान को अपने कर्मों का फल मिल रहा है। और बाकी जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की शानदार आर्थिक स्थिति अब और भी शानदार हो गई है तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के मामले में कुछ और नए नए तरह की इनोवेशंस किए जा रहे हैं। और अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लिए डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए पोलैंड की एक एंटिटी ने पाकिस्तानी कंपनी के साथ MOU साइन किया है। और इस मामले पर इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक ये जो MOU है ये पाकिस्तान की ऑर्नेस फैक्ट्रीज के साथ साइन किया गया है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो यूक्रेन की मदद के लिए अपने ENZA Mark II मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के कंसाइनमेंट को भी एक्सपोर्ट करने की प्रोसेस में है।
जो कि पहले पोलैंड जाएगा, फिर वहां से यूक्रेन के लिए ट्रांसपोर्ट होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन को इस तरह के हथियार सप्लाई करके इसके बदले वहां से पैसे ले रहा होगा और उस पैसे को अपने देश के लोगों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हो ही रहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन को जो भी हथियार सप्लाई कर रहा है, तो उसके बदले यूक्रेन ने पाकिस्तान को उनके Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने के लिए मदद देने का वादा किया है। और बाकी अभी हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दावा कर ही चुके हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा है, बल्कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब पाकिस्तानी सिटीजन्स एक बैंकक्रप्ट नेशन की रेजिडेंट्स हैं और अब पाकिस्तान एक दिवालिया नेशन बन चुका है। और इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी पाकिस्तान की जो सरकारी एजेंसी है वो अपने लग्जरी खर्च में कटौती करने को तैयार नहीं। हुआ यह है कि पाकिस्तान की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 1.6 अरब रुपए में से 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की योजना बनाई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लग्जरी गाड़ियां जो ली जाएंगी वो उस विदेशी कर्ज का इस्तेमाल करके ली जाएंगी जो कि पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए दिया गया था। और FBR के मुताबिक ये 1500 सीसी से 3000 सीसी वाली गाड़ियां होंगी जिन्हें पाकिस्तान की एजेंसियां लग्जरी बता रही हैं। बाकी ये भी नहीं बताया गया कि ये जो लग्जरी गाड़ियां हैं इनका इस्तेमाल होगा कहां। तो भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी एक बार फिर से अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में। अब हुआ यह है, क्या शनिवार को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सिडनी डायलॉग के एक सेशन को संबोधित करते हुए जॉर्ज सोरोस को लेकर पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि मिस्टर सोरोस एक ओल्ड रिच ओपिनियटेड पर्सन है जो कि न्यूयॉर्क में बैठकर ये सोचते हैं कि उनके विचारों को ये निर्धारित करना चाहिए कि ये दुनिया कैसे काम करेगी। और भारतीय विदेश मंत्री का ये भी कहना था कि इस तरह के लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी इलेक्शन का आउटकम वैसा है जैसा वो चाहते थे और जिसको वो जिताना चाहते थे वो जीत जाए, तब तो उनके मुताबिक इलेक्शन सही है, लेकिन अगर उसी इलेक्शन के आउटकम कुछ अलग ही आ जाए तो वो ये कह देते हैं कि ये एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है और ये सब एक खुले समाज की वकालत करने के नाम पर किया जाता है। अब आप पहले ये जान लीजिए कि जॉर्ज सोरोस है कौन और उन्होंने ऐसा क्या कहा था। तो बता दें कि जॉर्ज सोरोस एक अरबपति कारोबारी हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया था और एक तरह से उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर ही प्रश्न उठाए थे। और इसलिए भारत के विदेश मंत्री ने भारत के लोकतंत्र पर अपनी राय रखते हुए ये भी कहा कि आज जब मैं अपने लोकतंत्र को देखता हूं तो यहां पर मतदाताओं की भागीदारी जो कि अभूतपूर्व है, चुनाव के नतीजे जो कि निर्णायक है, चुनावी प्रक्रिया जिस पर सवाल नहीं उठते, हम वो देश नहीं है जहां चुनाव के बाद इसे चुनौती देने के लिए कोई कोर्ट जाता है। और भारतीय विदेश मंत्री का ये भी कहना था कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग खतरनाक भी हैं क्योंकि इस तरह के लोग, इस तरह के व्यूज, इस तरह के जो संस्थान हैं वो एक्चुअल में अपने ही नैरेटिव को सेट करने में इन्वेस्ट करते रहते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि साउथ कैरोलिना में US ने अपने F-22 रैप्टर का इस्तेमाल करके चाइना के जिस स्पाई बलून को शॉट डाउन किया था, तो उस बलून के मलबे की रिकवरी पूरी हो चुकी है और अब इन्वेस्टिगेटर्स उसके आधार पर एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि चीन के इस स्पाई बलून से संबंधित कुछ और जानकारियां अब जल्द ही सामने आ सकती हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इस वीर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2019 में पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर विभूति एस ढोंडियाल, हवलदार सियोराम, सिपाही हरि सिंह और सिपाही अजय कुमार ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। मेजर विभूति को मरणोपरांत शौर्य चक्र से और बाकी के तीनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि DRDO के रुस्तम 1 UAV ने सबसे पहली उड़ान कब कंडक्ट करी थी। समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।